Sponsored by Mohan Motors. Buy, sell, exchange, finance and insurance. हैदराबाद डीसीपी ईस्ट जोन सुनील दत्त द्वारा अफजलगंज पुलिस स्टेशन में आज प्रेस मीट जारी की गई। अफजलगंज पुलिस के खोजी दल ने 3 सदस्यों वाले एक सेलफोन झपटने वाले गिरोह को पकड़ा और 4 मामलों का पता लगाया और 4 मोबाइल फोन, 50,000 और एक होंडा डियो बाइक को बरामद किया। उपरोक्त गिरफ्तारी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सुल्तान बाजार डिवीजन देवेंद्र की देखरेख में हुआ। अफजलगंज पुलिस इंस्पेक्टर एम रविंदर रेड्डी, डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ए सतीश पी रामकृष्ण और अफजलगंज थाना स्टाफ के साथ की गई। नवभारत समाचार से संवाददाता राहुल सिंह की रिपोर्ट। स्टेशन में अफजलगंज के जो डिटेक्टिव इंस्पेक्टर है सतीश, अफजलगंज के SHO है रविंदर और अफजलगंज के जो डिटेक्टिव टीम हमारे ACP सुल्तान बाजार देवेंद्र के दिशा निर्देश में उन्होंने एक जो हमारे पास 26 तारीख को एक वाकया हुआ, एक इंसिडेंट हुआ जिसमें कि एक जो सूरत के बिजनेसमैन थे उनको ठगी करके अटेंशन डाइवर्जन करके उनसे 18 लाख का 24 कैरेट डायमंड कोई लेके चले गए थे। उसको आज उन्होंने डिटेक्ट किया, उसको ढूंढा, उसको पकड़ के लाया है, उसको आज हम जेल को भेजने वाले हैं। इसमें जो ये अपराधी है उनका नाम मोहम्मद रोहिला है, ये भी एक जेम स्टोन्स का बिजनेस करते हैं, ये चिकबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक के रहने वाले हैं। इनके ऊपर वहाँ पर भी पहले के 2 केस है, 2016 में और 2019 में भी चीटिंग और ठगी के ये केसेस हैं इनके ऊपर। जब ये 25 तारीख को ये घटना हुई तो हमको उसी दिन ये लोगों ने कंप्लेंट करी और उसी दिन शाम को और अपने ACP SHO DI लोगों ने पूरा टीम बनाकर यहाँ से कर्नाटक और बाकी जगह भी उनको ढूंढना चालू किया। तो हमारे DI ने पूरा एफर्ट लगाकर इनको बल्लापुर से इनके गांव से इनको पकड़ के लाए। इनका ये जो तरीका है वो इसलिए था कि ये आदमी भी जो मोहम्मद रोहिला है ये इसी का बिजनेस करता था और इसको थोड़ा घाटा हो गया। घाटा होने के बाद में इसने सोचा कि कुछ जल्दी से कहाँ से पैसा कमाया जाए, तो किसी को ठग कर पैसा कमाते हैं। तो इंडिया मार्ट पर जो ये जो बिजनेसमैन है सूरत के, ये अपना सामान बेचते हैं। इन्होंने इनको इंगेज करके हैदराबाद को बुलाया। हैदराबाद में बुलाने के बाद में होटल में इनसे बिजनेस संबंधित जो बात करी उसमें उसी समय इन्होंने इनका जो डायमंड लेने के बाद पैसा पेमेंट नहीं किया तो बात नहीं बनी। तो उसके बाद में इन्होंने जो उनका जो डायमंड था वो उसको अटेंशन डाइवर्टिंग से उसको स्वैप कर लिया। वहाँ पर कुछ दूसरा जो कि ओरिजिनल नहीं था फेक रख के इनका ओरिजिनल लेके चले गए। तो उन्होंने इमिडिएटली हमको रिपोर्ट किया पुलिस स्टेशन में, थाना में जो केस दर्ज हुआ उसके बाद तुरंत से फौरन यहाँ से टीमें हर जगह उनके लिए गई और उनको वहाँ से ढूंढ के लाए हैं। इसमें हमारे डिटेक्टिव इंस्पेक्टर SHO और उनकी पूरी डिटेक्टिव जो टीम है बहुत उम्दा और ज़बरदस्त काम किया है, उन्होंने इनको पकड़ कर लाया और जो कंप्लेनेंट है उनके साथ भी न्याय हुआ है इमीडिएटली। अभी एक्यूज कर भेजेंगे नहीं मीडिया के सामने क्यों प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा? ये आपको पता है कि मीडिया के सामने मतलब वैसे प्रोड्यूस नहीं करते हैं हम, और जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसा पब्लिक को हो तो उसमें प्रोड्यूस करते हैं। तो ये आपको अक्यूज्ड का हमने ये दे दिया है डिटेल। इसमें हम अपनी जो टीम है उसका पूरी टीम को डिटेक्टिव इंस्पेक्टर और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद। केस है जिसमें ये जो सेलफोन स्नैचिंग करते छीन के ले जाके धक्का मार के लोगों को ले जाते हैं, ऐसा एक और केस डिटेक्ट हुआ है। अफजलगंज की टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया है, काम किया है। इसमें उन्होंने जो 3 ये चोरों को पकड़ा है जो फोन स्नैचिंग करते हैं, इनमें इनके पास से 4 मोबाइल फ़ोन जो कि 50,000 तक की कीमत के हैं और एक होंडा डियो बाइक वो इनसे रिकवर किया है। ये जो एक्यूज्ड है इसमें एक तो अरुण है या कर अरुण, ये मलकपेट पलटन का रहने वाला है। दूसरा मलेला जो विजय साई है ये नारायणगुड़ा का रहने वाला है। छनमोनी सुरेश है ये भी नारायणगुड़ा में रहता है। इनके ऊपर पहले के भी 2 अपराध दर्ज है जो कि नारायणगुड़ा में है और बाकी जो इनके ऊपर अभी तुरंत से इसी केस के पहले 3 और केसेस उन्होंने किए
ये क्या है कि तुरंत से जैसे एक जगह से चोरी करके फिर दूसरी जगह चोरी करके तीसरी जगह चोरी करने का भी कोशिश किए, हमारी टीम ने उनको फॉलो करके उनको पकड़ लिया। तो इसमें ये एक अपराध इन्होंने हमारे यहाँ पर किया है 36/23, दूसरा 589/22 सैदाबाद में, 24/23 चिकड़पल्ली में, 66/23 सरूर नगर में। तो ये कहीं और जगह भी अपना ये चोरी करने के लिए कोशिश कर रहे थे, हमारी टीम ने बिल्कुल एकदम मौजूद और अलर्ट रहने से उनको पकड़ लिया और आज हम उनको जेल भेजेंगे और उनसे जो रिकवरी भी हुई है वो भी आपको बताया है, 4 मोबाइल फ़ोन जो 50,000 की कीमत के हैं। तो इसमें भी हमारी जो ये टीम है, असिस्टेंट जो कमिश्नर हमारे ACP देवेंद्र के सुपरविजन में, रविंद्र रेड्डी जो इंस्पेक्टर है अफजलगंज के उनके उसमें, और ये सतीश जो डिटेक्टिव इंस्पेक्टर है, और पी राम किशन और जो अफजलगंज का स्टाफ है डिटेक्टिव, उन्होंने बहुत अच्छा और ज़बरदस्त काम किया है। और ऐसे भी आपको हम बता दें कि हमारे जो कमिश्नर साहब है उन्होंने सब लोगों को ये प्रायोरिटी हम लोगों को दी है कि जहाँ पर ये चोरी चकारी मकारी ये सब केस होते हैं इनको ज़बरदस्त टाइम करके तुरंत से डिटेक्ट करके लोगों में थोड़ी सेफ्टी की उम्मीद और जगाए, ये हमको एक प्रायोरिटी है और ये हम कर रहे हैं। तीसरा एक सेल फोन स्नैचिंग है जिसमें पहले का 23 तारीख को ये लोग को पकड़े हैं, उनको भी कोर्ट भेज दिया था। तो इसमें ये 3 लोगों को पकड़े थे, ये भी हम लोगों ने केस ऑलरेडी डिटेक्ट करके इनमें इन 3 को भी जेल भेज दिया है। ये एक सुनील है, एक अक्षय कुमार है, एक रघुनाथ कुमार है, इन लोगों के ऊपर भी 3 फोन स्नैचिंग के केसेस थे, 27/23, 39/23, 22/23। ये 2 अफजलगंज के और एक काचीगुड़ा का केस थे, इनके पास से 3 सेल फोन जो है बरामद हुए हैं। हमारी जो अफजलगंज की पुलिस टीम है, पूरे SHO डिटेक्टिव इंस्पेक्टर उनकी पूरी टीम, क्राइम टीम, और हमारे ACP जो ACP साहब के एकदम सुपरविजन में बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और हमें आगे भी हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर जो चोरी चकारी में इन्वॉल्व है, हम उन लोगों पर बिल्कुल अपनी टीम को निगाह लगा के रखेंगे और उनको ज़्यादा मौका ऐसा नहीं मिलेगा कि अगर यहाँ से वो ऐसा कर पाए। धन्यवाद।